हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर, वी आर हियर फॉर योर इंग्लिश क्लास एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर फोर्थ चैप्टर। द चैप्टर नेम इज द स्ट्रेंज मेडिसिन, वह विचित्र दवा। लेट अस टेक स्टार्ट फ्रॉम हियर। द रॉयल प्रोक्लेमर beats the old tum-tum to make an important announcement. राजकीय घोषणाकर्ता अपने ढोलक को बजाते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा करता है। The king is ill. सुनो, राजा बीमार है। The person who cures him, और जो भी व्यक्ति राजा को चंगा कर देगा, विल गेट ए रिवार्ड, तो वह इनाम पाएगा। वाई सच एन अनाउंसमेंट, ऐसा घोषणा किए आवश्यकता क्यों थी? ऑफ कोर्स देयर इज ए रीजन फॉर इट, बेशक इसके लिए एक कारण था। एक कारण है जिसके लिए घोषणा की गई है। द किंग ऑफ समयपुर इज इल, समयपुर का राजा बीमार है। इट इज़ नॉट एट ऑल एन ऑर्डिनरी इलनेस, और यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। इट इज़ एन इलनेस द मेडिसिन फॉर विच इज़ नॉट एवन नोन टू द रॉयल फिजिशियन, और उसके बीमारी का कोई भी दवा राजकीय वैद्य भी नहीं जानता है। ओविंग टू दिस इलनेस द किंग हैज बिकम नॉट थिन बट फैट, और इस बीमारी की वजह से राजा पतला नहीं हुआ है बल्कि और भी मोटा हो गया है। व्हाट डू यू थिंक इज द किंग्स इलनेस, आप राजा के बीमारी के बारे में क्या सोचते हैं? राजा को कौन सी बीमारी हो गया है? ऐसी बीमारी जिसमें राजा पतला और कमज़ोर नहीं हुआ बल्कि और भी ज़्यादा मोटा हो गया है। लेट अस कम टू नो। नाउ द किंग कैन ओनली सीट व्हेन ही इज मेड टू सीट बाय द रॉयल अटेंडेंट्स, राजा तभी बैठ सकता था जब राजकीय सेवक उसे बैठाते थे। एंड कैन लाई डाउन, और वह तभी लेटता था व्हेन ही इज हेल्प टू डू सो, और जब उसको सहाय उस सेवकों की सहायता से उन्हें लिटाया जाता था। द क्वेश्चन ऑफ वॉकिंग डज नॉट एराइज एट ऑल, और टहलने वाली कोई बात तो थी ही नहीं। इट इज़ बाई ओवर हीटिंग एंड नॉट एक्सरसाइजिंग दैट द किंग हैज अर्नड हिज प्रेजेंट फिजिकल कंडीशन, और राजा का वर्तमान में जो शारीरिक दशा हुई है, इसका मुख्य कारण है कि बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाने की प्रक्रिया और एक्सरसाइज करना करना। राजा व्यायाम नहीं करता था, और व्यायाम न करने के बावजूद वह ओवर ईटर था, बहुत ज़्यादा खाता था, इसलिए वर्तमान में उसकी शारीरिक दशा ऐसी हो गई है। बीटिंग द टम-टम एंड मेकिंग अनाउंसमेंट्स वॉज डन अर्लियर टू बट नथिंग हैपेंड, पहले भी ढोल बजा बजा कर अनाउंस किया गया था लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। फिजिशियंस केम एंड वेंट, इलाज करने वाले आए और चले गए, टेकिंग अवे हैट फ्री, लेकिन कोई भी राजा को
उस मोटापे से मुक्ति नहीं दिला पाया। नाउ बीटिंग द टमटम हैज़ बिकम ए रेगुलर एक्टिविटी इन द किंगडम। अब उस राज्य में टमटम बजाकर, ढोल बजाकर अनाउंस करना एक रोज़मर्रा का एक्टिविटी हो गया था। ये काम हमेशा किया जा रहा था। ए पुअर फार्मर, एक गरीब किसान सुरेश वाज ऑल्सो हियर्स द अनाउंसमेंट। एक गरीब किसान सुरेश नाम का, उसने भी इस घोषणा को सुना। सुरेश इज हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट। सुरेश काफ़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति था और बुद्धिमान था। ही समहाउ अंडरस्टैंड्स द रियल काउज ऑफ द किंग्स इलनेस। वह कुछ हद तक राजा के बीमारी की सच्चाई को जान चुका था। ही चॉक्स आउट ए प्लान एंड प्रिपेयर्स टू क्योर द किंग। उसने एक योजना बनाया और राजा को चंगा करने की तैयारी करने लगा। ही स्टॉप्स सेविंग हिज मॉस्टेक्स। उसने अपना मूछ दाढ़ी को कटवाना छोड़ दिया एंड बियर्ड और दाढ़ी बढ़ा लिया। व्हेन हिज अनकट बियर्ड एंड मॉस्टेक ग्रो लॉन्ग। और जब उसके न बनाए हुए दाढ़ी और मूछ बड़े होने लगे, ही गोज स्ट्रेट टू द रॉयल कोर्ट। तो वह सीधा राजा के दरबार में चला गया। और नाउ ही लुक्स लाइक एन एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर। अब वह एक अनुभवी डॉक्टर जैसा दिखता था। आफ्टर सैल्यूटिंग ही सेज, अभिवादन करने के पश्चात उसने, वह बोलता है कि योर एक्सेलेंसी जहाँ पना, आई हैव कम हियर आफ्टर नोइंग एवरीथिंग। मैं सब कुछ जानने समझने के उपरांत यहाँ आया हूँ। आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी डॉक्टर, मैं एक साधारण चिकित्सक नहीं हूँ। यू मे कॉल मी द किंग ऑफ डॉक्टर्स, आप मुझे डॉक्टरों के डॉक्टर कह सकते हैं। द किंग अलाउज हिम टू स्टार्ट ट्रीटिंग हिम। और राजा ने उसे अपना इलाज करने की अनुमति दे दी। सुरेश बोज बिफोर द किंग। सुरेश राजा के सामने नतमस्तक हो गया एंड सेज, और बोला, माय लॉर्ड देयर इज वन कंडीशन। सुरेश कहता है कि मेरे आका हुजूर, देयर इज वन कंडीशन, एक शर्त है। यू हैव टू डू व्हाट आई टेल यू टू डू, आपको करना होगा जो मैं कहता हूँ, जैसा कहता हूँ आपको वैसा करना होगा। अदरवाइज माय मेडिसिन विल नॉट वर्क। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मेरी दवा काम नहीं करेगी। देयर इज नो अदर एक्टिविटी अल्टरनेटिव बट टू एक्सेप्ट सुरेश कंडीशन। अब राजा के पास भी कोई दूसरा विकल्प नहीं था सुरेश की बातों को मानने के अलावे। राजा के पास भी कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। सुरेश देन टेल्स द किंग। तब सुरेश राजा से कहता है कि व्हाट इज़ टू बी डन, ये क्या करना है। इट इज़ एज सिंपल एज टू प्लक 5 नीम लीव्स एवरी मॉर्निंग फ्रॉम ए पार्टिकुलर ट्री। किसी खास नीम के पेड़ से प्रत्येक सुबह 5 नीम के पत्ती तोड़ना है। इट्स अ वेरी सिंपल वर्क। सुरेश सप्लाइड दिस वर्क टू द किंग
कि किसी खास पेड़ के नीम के पेड़ से प्रत्येक सुबह नीम के 5 पत्ते तोड़ने हैं। दिस ट्री स्टैंड्स अबाउट 500 स्टेप्स अवे फ्रॉम द मेन गेट ऑफ द प्लेस। उस किला से, उस किले के दरवाजे से, गेट से यह नीम का पेड़ 500 कदम दूर है। देयर इज अनदर पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड। देयर इज अनदर पॉइंट, और दूसरा मुख्य बिंदु भी उसके दिमाग में आता है कि वन एंड ओनली वन नीम लीव इज टू बी प्लक्ड एट ए टाइम एंड इज टू बी ब्रॉट बैक टू द मेन गेट ऑफ द प्लेस एंड च्यूड। एक बार में एक ही नीम का पत्ता तोड़ना है और वापस मेन किला के मेन गेट के पास पहुंचकर उसे चबा लेना है। इन दिस फैशन 5 नीम लीव्स आर टू बी प्लक्ड एंड च्यूड डेली फॉर 30 डेज। और इस तरह से 5 नीम के पत्ते तोड़ने हैं और 5ों को चबा लेना है। एक नीम का पत्ता तोड़ने के बाद गेट तक आना है, किला के गेट तक आना है और चबा लेना है। इसी तरह दूसरा, इसी तरह तीसरा, और इस तरह से 5 पत्ते 30 दिनों तक नीम का पत्ता चबाना है विदाउट एनी ब्रेक इन बिटवीन। और बीच में कभी भी इस रूटीन को ब्रेक नहीं करना है। दिस हैज़ टू बी परफॉर्म्ड बाय द किंग हिमसेल्फ एंड नॉट बाय एनीवन एल्स। यह दिस हैज़ टू बी फॉर्म्ड बाय द किंग हिमसेल्फ। यह काम स्वयं राजा को करना है एंड नॉट बाय एनीवन एल्स, और इसमें कोई भी दूसरा व्यक्ति साथ नहीं देगा। टू सेव हिज लाइफ द किंग स्टार्ट्स फॉलोइंग सुरेश एडवाइस। और अपने जान को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए राजा सुरेश के दी हुई एडवाइस पर, सलाह पर काम करना शुरू कर देते हैं। बट इट इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर द किंग टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन इन टोटो। लेकिन यह काफ़ी मुश्किल भरा हुआ निर्देश है जो सुरेश के द्वारा राजा को दिया गया है। राजा को उसका पालन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऑन दी वेरी फर्स्ट डे, अब पहला दिन, ही समहाउ वॉक्स डाउन टू द नीम ट्री। वह नीम के पेड़ के पास टहलते हुए आया, बट नॉट विदाउट द हेल्प ऑफ ए डजन रॉयल अटेंडेंट्स। लेकिन इस वक्त उसके साथ दर्जनों सेवक मौजूद नहीं थे। एंड पुल्स डाउन ए लीफ, और एक पत्ते को तोड़ा। आफ्टर कमिंग बैक टू द मेन गेट ऑफ द प्लेस, और वापस आने में महल के गेट के गेट पर वापस आने में ही स्लिप्स फॉर द होल डे। वह इतना ही काम के दौरान ही स्लिप्स फॉर द होल डे, वह पूरे दिन सोता रहा। देन नेक्स्ट डे, तब दूसरे दिन सुरेश कम्स एंड गेट्स द रिपोर्ट। सुरेश आता है और उनका हाल चाल जानता है, जानने की कोशिश करता है। हाउ एवर ही इनकरेजेज द किंग टू कंटिन्यू द ट्रीटमेंट। जबकि वह राजा को उत्साहित करता है, इलाज जारी रखने के लिए उत्साहित करता है। द सेम इंसिडेंट इज रिपीटेड द फॉलोइंग डे।
और इसी प्रकार की घटना दूसरे दिन भी दोहराई जाती है कि राजा महल के गेट से 500 कदम दूर जाकर नीम के पेड़ के पत्ती से एक पत्ती तोड़ता है और गेट के पास में आकर कर चबा लेता है, फिर दोबारा जाता है। इस तरह से 5 पत्ते तोड़ने हैं प्रतिदिन। एज डेज पास और इस तरह से दिन गुजरते हैं, दी किंग फाइंड्स दैट ही इज एबल टू वॉक अप टू द ट्री ऑन हिज ओन। और इस तरह से दिन गुजरते हैं और राजा को यह मालूम चलता है कि वह स्वयं से उस पेड़ तक टहल सकता है, जा सकता है। देन ही रियलाइजेज, तब वह महसूस करता है कि दैट ही इज़ नॉट सो टायर्ड आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द ट्री। अब वह पेड़ के पास से लौट कर जब वापस आता है तो अब वह उतना ज़्यादा थका हुआ नहीं होता है। ही नाउ इन्जॉयज द वॉक टू द ट्री एंड बैक फ्रॉम इट। अब वह आनंदित होकर